देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. देयर आर वेरी स्मॉल चेंज ऑफ द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ. थोड़ा सा चेंज करेंगे टाइम के पीरियड में. हमें पता है केपलर के लॉ के अकॉर्डिंग टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. शिफ्टिंग ऑफ द लार्ज मास ऑफ द अर्थ चेंज द कौन ज्यादा पीरियड ऑफ द रोटेशन ऑफ द. ठीक है कोई बात नहीं. उसने बोला कि अगर असर्शन में देयर आर वेरी स्मॉल ठीक है स्पोरेडिक चेंज अगर थोड़ा सा चेंज करेंगे इन द पीरियड ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ अगर थोड़ा सा कम करेंगे ठीक है तो रीजन क्या बोल रहा है शिफ्टिंग द चेंज करें तो कम हो जाएगा. ठीक है कोई बात नहीं. शिफ्टिंग ऑफ द लार्ज मास ऑफ द अर्थ ऑफ द एटमोसफेयर प्रोड्यूस द चेंज इन द मोमेंटम ऑफ एनर्जी अर्थ द कॉज द पीरियड ऑफ द रोटेशन इज चेंज. ओके ठीक है किसको यस होता है ये जो रीजन बोला वो भी बिल्कुल सही है. शिफ्टिंग द लार्ज ऑफ मासेस किसी मास को शिफ्ट होना अर्थ पे एटमोसफेयर प्रोड्यूस टू चेंज इन द मोमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ द मास कॉज इज पीरियड ऑफ द रोटेशन. ओके बिल्कुल सही करेक्शन बोल रहा है एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही है. तो आपका इसमें ऑप्शन जाता है ए. ऑप्शन ए बिल्कुल सही बोल रहा है. अगर आपको रीजन देखना है तो रीजन आप देख सकते हैं कोई बात नहीं. आपको रोलिंग जो आपके बुक में दे रखा है काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन है. आपको यहाँ समझ लीजिए कि टी स्क्वायर डायरेक्टली आर क्यूब होता है तो रीजन इज कर लो परफेक्ट है. ओके थैंक यू.